अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे सुबह मैंने आपको बताया था कि हम बायोस कैसे अपडेट करते हैं, तो ये वीडियो हमारा जो है उससे रिलेटेड है कि हम सिस्टम का बायोस किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं और उसके हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको सिस्टम ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हर एक सिस्टम का अपना होता है एक, इसको ज़रा मैं इस तरफ करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। हर सिस्टम का अपना होता है, क्योंकि बायोज में जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं इंटेल के, तो हर सिस्टम का अपना एक प्रोसेस होता है। तो चूँकि अभी मैं आपको इसका सबसे पहले हमने इसका बैटरी ये, क्योंकि योगा टाइप लैपटॉप है, ठीक है। इसको आप टाइप भी कीज़ भी आप देखें, आपको कीज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हैं, और ये टच एंड टाइप है। इसके फीचर्स आप देखें, ये बिल्कुल टच एंड टाइप है, तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ मैंने क्लिक किया, मैंने गूगल क्रोम पर क्लिक किया, इस पर ये मेरे पास इंटरफेस ओपन हो गया गूगल का। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सिंपली जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बायोस पहले से मौजूद हैं, चूंकि मेरे पास यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर बायोस मौजूद हैं, इस वाले पेन ड्राइव के अंदर मेरे पास बायोस मौजूद थे, मैंने डाला। अगर आपके पास बायोस मौजूद ना हो तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लेनोवो सपोर्ट के अंदर, ठीक है। लेनोवो सपोर्ट के अंदर आप जाकर यहाँ ड्राइवर्स आपको फर्स्ट छोड़ें, ओके। सेकंड में आप देखें आपको मिलेगा ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, चूंकि हमारा सिस्टम देखें, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज दूंगा कि कोई भी सिस्टम मिडल ईस्ट में आता है, तो देखो वारंटी आपके दो टाइप के होते हैं, एक यूके का वारंटी होता है और यूएस का वारंटी होता है। यूके का वारंटी यूके में चलता है और उस तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है, लेकिन जैसे हमारा पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट हो गया, यहाँ पर जो हमारा वारंटी चलेगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट का। आप देखें यहाँ पर लिखा है चेंज टू यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम नहीं छेड़ते हैं। हम क्या कहेंगे, प्रोसीड विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी हम वो जो पहले से इसके साथ मौजूद है हम उसके साथ ही जाएंगे। हमने इसको प्रोसीड किया, ओके कर दिया। अब यहाँ देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस, आपको मैं मज़ीद क्लियर करके बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले वाला वह आपका प्रोडक्ट होम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिस, अच्छा इसमें गाइड एंड मैनुअल्स, इस सिस्टम के बारे में आपको गाइड एंड मैनुअल के बारे में बताता है। फिर आपको रिपेयर स्टेटस भी बताता है, पार्ट्स कौन से इसमें लगे हैं, ये सारा का सारा और मोर। जैसे अगर हमें फॉर एग्जाम्पल चाहिए होगा कि हम इस सिस्टम का वारंटी कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिस्टम वारंटी के सिस्टम सर्विस में। यहाँ पर आप देखें आपको इसका, इस लैपटॉप का आपको मॉडल T420i ThinkPad, ये पूरा का पूरा आपको इसका ओवरव्यू यहाँ पर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू सिस्टम का देगा, ठीक है। लेकिन हम अभी, मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वह ड्राइवर्स के रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखें आपको तीन बता रहा है, पहले ऑटोमेटिक अपडेट है, तीसरा है मैनुअल अपडेट, चौथा है गेट रिकवरी मीडिया।
चूंकि हमारे पास, अगर आपके पास यूएसबी है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, यूएसबी नहीं है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है स्कैन नाउ, हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्टार्ट स्कैन, आपको स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको ऑटोमेटिक अपडेट करना है तो इसी तरह इसी प्रोसेस से जाएंगे, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट स्कैन। स्टार्ट स्कैन के बाद जो है ये वो जो जो ड्राइवर इसको चाहिए होगा वो इसको ऑटोमेटिकली जो है उसको डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ अगर आप देखें यहाँ पर ऑल ऑल ऑलवेज अलाउ पासपोर्ट लेनोवो बैच आपको बता रहा है, ये एक सर्विस एग्रीमेंट आपको दिखाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं, हम होल्ड करते हैं थोड़ा सा, अभी देखे चेक कर रहा है कि यहाँ पर कोई अगर है ड्राइवर्स कुछ है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे लेनो ओपन लेनो वो सर्विस ब्रिज, हमने इसको ट्राई अगेन करना है, चेक करना है। चूंकि ये आपको इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके सारे ड्राइवर्स मैंने जो है अब पहले से अपडेट किया है, अगर अपडेट ना होता तो आपको देखें ये नहीं दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो हम ये इस पे क्लिक करेंगे नीचे, ओके। अब हम कहेंगे डाउनलोड पे, डाउनलोड ये देखें आपको सेटअप आ रहा है, सेटअप को हम ओपन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको करेंगे फिनिश। अब देखो वो लेनोवो सर्विस ब्रिज जो है, हाँ अब यहाँ आपको दे रहा है देर इज नो सिस्टम अपडेट एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर प्लीज क्लिक इंस्टॉल, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब देखे आप क्लिक को वो जो सिस्टम है, हाँ इसको हम नेक्स्ट करें सॉरी यस करेंगे, यस करने के बाद वो कनेक्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है वो आपके सिस्टम के साथ। या प्लीज डू नॉट लीव द पेज, दिस मे टेक 1 to 3 minutes, ठीक है। अब ये देखो आपको नज़र आ रहा है स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट स्कैन, और स्कैनिंग जो है 0% हो चुका है, ये 0% स्कैनिंग हो चुका है। तो अभी ये 13% तक गया है, अभी ये ऑटोमेटिकली ये जो है आपके सिस्टम को स्कैन करेगा। आप देखें 20% तक चला गया है, 50% हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा कि आपके सिस्टम को कोई ड्राइवर्स की ज़रूरत है या सिस्टम ऑल अप टू डेट है, हम अभी इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा आपको ऐसे ही पता चलता जाएगा। अब देखें 63% हो चुका है, अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि कोई ड्राइवर्स है या लेनोवो की तरफ से कोई ड्राइवर रिकमेंडेड है या कोई ड्राइवर क्रिटिकल सिचुएशन में है वो आपको बताएगा। पहले तो हमें ये 79% तक गया है, फर्स्ट स्टार्ट स्कैन है, दूसरा हमारा ऑप्शन है वो स्कैन करके ड्राइवर से हमें बताएगा। अब हम जो तीसरा ऑप्शन होगा कि हम उस ड्राइवर को फिर अपडेट करेंगे, फिलहाल तो 91-95% तक गया, उसके बाद हम देखेंगे क्या। हाँ ये देखें अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है हमें लेनोवो एनएमई सोल्ड फर्मवेयर ड्राइवर, ये आपको दिखा रहा है क्रिटिकल है, ठीक है क्रिटिकल है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर जाकर हम चेक करेंगे, ओके यह क्रिटिकल आपको दिखा रहा है रिकमेंडेड है। ये चूंकि हमने लेनोवो पावर मैनेजमेंट का जो है इसको हम ऐसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने अब ऑटोमेटिक अपडेट ड्राइवर पर क्लिक किया और हमने इसको इंस्टॉल नाउ किया। अभी ये आपके जो है पूरे के पूरे सिस्टम के ड्राइवर्स को अपडेट करेगा। अभी 1% हो गया तो ये थोड़ा सा टाइम देगा, 2% इस तरह करते करते ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा।
6% तक गया है, ठीक है, 6% तक गया है, तो फिर आपको आगे अभी बताएगा कि इलेवन परसेंट हो गए, अपडेट कर रहा है ये अभी क्या हो रहा है, आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टेंशन नहीं लें, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें सीखना है तो आपको टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। और एक एक चीज़ गाइज मैं आप लोग को फिर से बता दूँ, वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा। और हर चीज़ को प्रोफेशनली तरीके से देखिए, ये मशीनें ऐसी चीज़ होती हैं जो होती है बहुत क्रिटिकल, अगर आप उनको टाइम देंगे, ड्राइवर्स उनका अपडेट करेंगे, हमेशा आप टू डेट रखेंगे तो वो आपके साथ टाइम निकालेंगे। अगर आप उनको कोई केयर नहीं करेंगे, कोई इनको अप टू डेट नहीं करेंगे, जैसे हमारे मोबाइल में कोई अपडेट आता है तो हम उसको अपडेट करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसको भी थोड़ा सा हमें चाहिए। कोई भी अगर आप देखें कोई भी चीज़ आपका क्रिटिकल होगा, यहाँ नीचे यहाँ पर वो आपको दिखाएगा आपका वो चीज़, जैसे कि यहाँ मेरा एक सिक्योरिटी रिक्वायर्स योर अटेंशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस, ये चीज़ें आपको बताएगा या नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, तो उन चीज़ों को बेटर है हम वक्त आने पर उनको जो है वक्त के साथ हम उसको अपडेट करें। हमारे लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आपके पास तकरीबन चलेगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो लेफ़्ट साइड में ये लैपटॉप का जो है सीरियल नंबर आपको दिखा रहा है, ठीक है, और इसकी इसका जो है मॉडल दिखा रहा है L13 योगा टाइप 20R5 20R6 टाइप है, लैपटॉप थिंक पैड है 20R6 है, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा बता रहा है। और हमारा यहाँ अभी हो गया तकरीबन 39% तक हो गया, अभी 40% हो गया, आगे होने जा रहा है, तो जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा और ये हमें फोर्टी हो गया, अभी ये 50% तक हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसीलिए आपको ये दिखा रहा था क्योंकि मैं मुझे फील हो गया कि ये जो मैंने पहली वीडियो डाला था, ये वीडियो भी उसका तकरीबन पार्ट है कि आपको पता चले आप किस तरह अपने जो है एंटेल का या डेल का या लेनोवो का किसी भी डेल का मैं आपको बताऊँगा हम किस तरह जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा उसमें मैं आपको क्लोनिंग सिखाऊंगा कि यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे क्लोन करके उसको उसकी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप उनको सीखें और उनको मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा भी। तो गाइज अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा डन होता है, फिर हम आपको आगे का अभी ये 52% तक हो गया, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे।
56% हो गए, ये वो हैं जो क्रिटिकल जो आपको दिखा रहा था, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में जब ये हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है योर पीसी नीड्स टू बी रिस्टार्टेड फिनिशिंग सेटिंग अप दिस डिवाइस। ओके, अगर मैं इसको मुझे बता रहा है कि आपका पीसी स्टार्ट मांगता है, ठीक है, लेकिन हम अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, जब ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा 100% हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो गाइस हमें लगता है कि ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट मांगता है, क्योंकि यहाँ पर स्टक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको देख रहे हैं पावर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर हम इसको करेंगे रीस्टार्ट। ठीक है, तो ये आप देखें आपका सिस्टम हो रहा है रीस्टार्ट। तो अभी जैसे ये रिस्टार्ट होगा तो इसका सारा का सारा जो है फर्मवेयर, जो जो ड्राइवर मिसिंग थे वो सब के सब अपडेट होंगे। तो अभी हम इसको कर रहे हैं रिस्टार्ट। रिस्टार्ट होने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश आपका सिस्टम अपडेट हो चुका है, सिस्टम का फर्मवेयर भी अपडेट हो चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अभी ये हो रहा है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट होने के बाद ये हो गया जो है, थोड़ी देर में वापस आएगा। हाँ, ये देखें आपका सिस्टम जो है अभी ये लोडिंग हो रहा है। लेनोवो का बोर्ड आया और ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद जो है थोड़ी देर में ये जो है लोडिंग हो जाएगा, और ये है आपका जो बिल्कुल फ्रेश सिस्टम आपके इंटरफेस में आ गया। ये मतलब गाइस इसके जो हैं वो ड्राइवर्स अप टू डेट हो गए हैं, इसके ड्राइवर्स जो हैं वो अप टू डेट हो गए हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी यहाँ आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करें। आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ खुश रहें, खुश रहने दें, अल्लाह हाफ़िज़।